और इस बस में आपको मिलती है बस हॉस्टेस, जैसे कि देख लो एयरप्लेन में आपको मिलेगी एयर हॉस्टेस। जरूरी नहीं है आप मेरा ही चैनल देखो, आप कोई भी चैनल देख सकते हो, कोई भी मूवीज देख सकते हो, इनफैक्ट आप यूट्यूब में सॉन्ग सुन सकते हो। मम्मी का तो आदत ही है यूट्यूब में सर्च कर करके मूवी देखने का। इसमें एक वेज है और एक नॉन वेज है, ओके, सो यहां पे पैकेज में लिखा गया है एंड सर अच्छा होगा कि आप अभी खा लें क्योंकि ठंडा होने पे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड सर खाने के बाद ये पैकेज यहां पे रख दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम लोग आ गए थे सिलीगुड़ी और आकर ये होटल ले लिए थे और ज्यादा कुछ तो किए नहीं, बस ऐसे ही मस्त रेस्ट कर रहे थे। और एक चीज है, आप अगर सिलीगुड़ी आते हो ना, कोई भी काम से आओ, कहीं जाओ या ना जाओ, यहाँ का सुबांग का मोमो खाकर जरूर जाना भाई, मजा आता है वहाँ का मोमोज। मतलब अभी तक पता नहीं और कहाँ का बढ़िया मोमो मिलता है, लेकिन सुबांग का खाया हुआ मेरा अभी तक का वन ऑफ द नहीं सबसे बेस्ट मोमो लगा है मुझे। फिलहाल आज हमारा बस है कोलकाता के लिए और ये ऐसा वैसा कोई नॉर्मल बस नहीं है, मैंने इस रूट में बिजनेस क्लास बस, स्लीपर क्लास बस, हर टाइप का बस कवर किया है। ये जो बस है ना ये अल्ट्रा प्रीमियम बस है भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी तक तो जितना मैंने फोटोज वगैरह में देखा है मुझे काफी कमाल का लगा है। और मैं एक बात और भी बोल सकता हूँ कि इस रूट में चलने वाला सबसे लग्जूरियस बस है ये। बाकी ज्यादा बात नहीं करते हैं, लोकेशन पे पहुंचते हैं, बस दिखाते हैं। एक्चुअली हम लोग का जो होटल है ना सिलीगुड़ी के एकदम बस स्टैंड के पास में ही है, एकदम पास में ही पिकअप पॉइंट भी है, तो चलो निकलते हैं फटाफट। एक ही बार ये वाले वीडियो को ना बस स्टैंड जाके ही कंटिन्यू करते हैं। देख लो जी ये अपना होटल था और निकलते ही सामने ही देख लो एक बार ये ग्रीन लाइन का देख लो बिजनेस क्लास स्लीपर B11R। और यहाँ भी एक बस आपको दिख रहा होगा शामली का, दूर की तरफ देखो एक और ग्रीन लाइन का बस आपको दिख रहा है। एक से बढ़कर एक लग्जूरियस बस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन जो आज मैं बस दिखाने वाला हूँ ना उसके सामने ये सारे बस चाय कम पानी है। देख लो यही हमारा होटल था। एक्चुअली मैं मनीला में भी बहुत बार रुका हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इसके जस्ट बगल में ही है होटल हेरिटेज। इसके अगर आप अपोजिट साइड में आओगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये इजी राइड का वेटिंग लाउंज आप बोल सकते हो इनका। अभी टाइम है अपने बस में, अभी मैं अपने पिकअप पॉइंट पे आया और ये आ चुकी है अपनी बस। ओ बॉय साहब क्या लग रही है ये, बाय द वे ये वॉल्वो की 9600 है। ओ भाई भाई साहब देख लो ये बस का फर्स्ट लुक इजी राइड का। बाकी अंदर से आपको अच्छे से इंटीरियर वगैरह तो सब कुछ दिखाएंगे। काफी कमाल का अलग अलग सब फीचर्स है इसमें और बहुत ऐसा चीज है जो एड ऑन किया गया है जो इससे पहले के बस में नहीं था इस वाले रूट में, बाकी रूट का मेरे को नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, बस का जैसे ही टाइमिंग होता है जाते हैं अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने लगेज अपना अंदर डलवा दिया है, देख लो ऐसा कुछ हमें टोकन मिल चुका है, जब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे ना तब ये दिखाने से हमें अपना लगेज मिल जाएगा। अभी एक काम करते हैं अंदर जाते हैं। चलो जेबी बस के अंदर तो हम लोग आ गए हैं और जैसा कि मैंने फोटोज में और वीडियोस में देखा था ना एग्जैक्टली वैसे ही है। और इस बस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना बहुत सारा ऐसा डिफरेंट फीचर आपको मिलता है जो कि और नॉर्मल बसेस में नहीं मिलता। जैसे कि देख लो ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन जो है यहाँ पे, आप इसमें यूट्यूब वीडियोस ऑनलाइन भी काफी कुछ देख सकते हैं। उधर के साइड आपको टीवी का सारा कंट्रोल वगैरह भी मिल जाएगा ऊपर की तरफ, वो दिखाऊंगा मैं जब मैं बस निकल जाएगा तब। बाकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो मिल ही रहा है, एक iOS के लिए एक एंड्रॉइड के लिए दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे। क्या बस को कस्टमाइज करवाया है यार, जो ही बोलो। अब बिग थम्स अप टू कौशिक दा, शायद उन्हीं का है क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है देख लो कौशिक रोड किंग इजी राइड। ये सब तो चलो नॉर्मल चीज मैंने बताया जो कि आपको बहुत सारे बसेस में देखने को मिलता होगा, लेकिन इस बस में हमें फूड भी सर्व किया जाएगा, मतलब स्नैक्स सर्व किया जाएगा, वो जब हमें मिलेगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। और इस बस में आपको मिलती है बस हॉस्टेस, जैसे कि देख लो एयरप्लेन में आपको मिलेगी एयर हॉस्टेस, ट्रेन में ट्रेन हॉस्टेस, तो बस में बस हॉस्टेस। तो ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, काफी अच्छे से उन्होंने वेलकम करा मेरा। एक्चुअली साथ में मम्मी थी ना तो मम्मी को अच्छे से ऊपर बैठा रहा था इसलिए वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया उन्होंने। कैसा लग रहा है? तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी अंदर से देख लो कुछ ऐसा है अपना बस। और सीट कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो ऐसे 2x1 का आपको सीट मिलेगा, एक लोअर एक अपर। लोअर में भी आपको 2x1, अपर में भी आपको 2x1। अभी मैं अपने सीट पे तो आ गया हूँ। मम्मी का साथ ऐसा फर्स्ट टाइम है ना किसी लग्जरियस बस में। लास्ट बस जर्नी कब की थी याद है? रात भर का सफर में नहीं की है। मम्मी कभी भी ऐसे रात भर के सफर में बस जर्नी नहीं की है, तो मम्मी का ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, वो भी सोच लो भाई वन ऑफ द प्रीमियम और लग्जूरियस बस में। पहले नाइट सुपर बस बोला जाता था, वो भी सो के नहीं बैठ के जाता था आदमी। हाँ अब तो हमें बहुत बड़े बड़े बस आ गया है। बाकी आपको बस में बस हॉस्टेस भी मिल जाएंगी जो अच्छे से आपको गाइड कर देंगे आपका सीट कहाँ है, कहाँ बैठना है, क्या है नहीं है,
और काफी अच्छे से बात कर रहे हैं ना मम्मी। ईयरफोन आप लोग प्रोवाइड करते हैं क्या? जी सर, अभी प्रोवाइड करेंगे। और आप क्या टिल हमारे साथ तो वहाँ तक जा रहे हैं? सिर्फ बागडोगरा तक ही जा रहे हैं। बागडोगरा तक, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अंदर में जो मैम है ना, काफी अच्छे से आपको गाइड कर देंगे कि क्या है नहीं है। तो अभी मैंने पूछा इनसे, ईयरफोन मिल जाएगा? और ये जो मैम है ना, हमारे साथ पूरा टिल एंड तक नहीं जा रही हैं, ये बागडोगरा तक ही जाएंगे। बाकी कभी ऐसा सोचा था बस में भी आपको बस हॉस्टेस देखने को मिलेंगी? कभी नहीं, लेकिन आगे आगे देखते जाओ। अरे बहुत कुछ भाई, अभी इंडिया ना अभी अलग लेवल पे ऊपर बढ़ रहा है, वो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बस यहाँ से निकलता है ना, तब और भी बाकी का इन्फॉर्मेशन देता है आपको, लाइक टिकट प्राइस एंड ऑल। 6:30 बजे इसका सिलीगुड़ी से निकलने का टाइम है। लगभग सुबह 7:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन स्प्लैनेट कोलकाता। और अभी तक बस कैसा लग रहा है, कम्फर्ट लग रहा है? अभी तक तो ठीक लग रहा है। थोड़ा सा लेडीज वगैरह के लिए एक दिक्कत है वॉशरूम का। अभी तो बहुत सारा ऐसा भी बस आने लगा है हमें कि जिसमें वॉशरूम भी होता है। वैसे मैं बता दूं, हमारा जर्नी होने वाला है सिलीगुड़ी से स्प्लैनेट तक के लिए। और अगर मैं टिकट फेयर की बात करूं ना, तो मैं बता दूं मैंने 2 टिकट के लिए पे किया है 3,120 रुपए, वही पर पर्सन 1,550 रुपए करके समझो आप। अब मैं आपको बता दूं कि एमिनिटीज में क्या क्या मिलता है। आप अगर पर पर्सन 1,550 रुपए करके पे कर रहे हो, तो सबसे पहले तो पर्सनल टीवी, वाटर बोतल, ब्लैंकेट, चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी पोर्ट चार्जर, वेटिंग लाउंज जो कि मैंने दिखाया आपको पहले ही। बट हम लोग जैसे ही पहुंचे ना इनके वेटिंग लाउंज में, तब तक बस आ चुकी थी, तो हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बहुत खुश है इसमें दिखाने के लिए आपको। एक बात तो बोलना पड़ेगा, अभी कोलकाता से एनजीपी मतलब सिलीगुड़ी आने के लिए, फिर सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। इस रूट का ना उतना फ्लाइट भी महंगा नहीं रहता है। अभी शायद महंगा था 2 दिन पहले, लेकिन उतना महंगा नहीं रहता है। ट्रेन आपको मिल जाएगा, बसेस आपको मिल जाएंगे, और बसेस मतलब नॉर्मल बस भी, लग्जूरियस बस भी, वो आपके ऊपर है आप कौन सा बस लेते हो। वैसे देख लो ऊपर की तरफ, यहाँ पे एसी वेंट है, अगर आपको ज्यादा ठंडा चाहिए तो ऑन कर लो। एक आपके सर के पास, एक पैर के पास। ऐसा भी हो सकता है ना कि बगल वाला पैसेंजर को मैं जानता नहीं हूँ, मैं सिंगल अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे सीट नहीं मिला, तो एक बीच में ना ऐसे कर्टन है, मैं चाहूँ तो इसको लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मम्मी को देखते देखते जाना है हमको, हम क्यों लगा। बाकी ऊपर की तरफ लाइट भी है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा टीवी का कंट्रोल है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। और ये मेरे को लग रहा है हेडफोन के लिए, शायद मैं बता दूंगा आपको। और ये तो लाइट स्विच है, चलो भाई लाइट ऑन रहने देता है, अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम वार्म लाइट है ना। पीछे की तरफ बढ़िया कुशनिंग भी है ये इजी राइड का। एक चीज मैंने देखा है, वॉल्वो वाले को ना जैसा बोलो बस को आप वैसे कस्टमाइज करके देंगे, बस रोकड़ा रेडी रखो। बाकी यहाँ पे अगर आपका फोन चार्ज में लगा हुआ है, फोन के लिए स्टैंड भी बना हुआ है। और ये आपका रहा यूएसबी पोर्ट। थोड़ी देर बाद एक डिनर का स्टॉप भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे कौन से जगह में रुका है बस। मैं तो ऐसे बस जर्नी में ना कम ही खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि बस में आप जितना लाइट खा के चलो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेन का क्या है ना, आप चल फिर सकते हो, बस में आपको बस एक बैठे हुए ही जाना है, थोड़ा संभल के खाना पीना। तो एक बात है, बाहर जबरदस्त ट्रैफिक है, लेकिन अंदर ना बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। देखो आपको मेरा वॉइस कितना क्लियर आ रहा होगा। बाकी ये तो हैमर है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ग्लास वगैरह तोड़ने के लिए। यहाँ देख लो मुझे ईयरफोन मिल चुका है, अब बस कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और आपको भी दिखाते हैं यहाँ कनेक्ट हो जाएगा ये। और यहाँ से ना आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे देख लो होम बटन है, ये वॉल्यूम के लिए, जैसे आपके घर में होता है ना एंड्रॉइड टीवी, वही है। ये रिमोट को ना इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है, देख लो। यहाँ मम्मी ने मस्त हेडफोन तो लगा ही लिया है, साथ ही ना मैंने अपना यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया है। इसमें तो वैसे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मूवीज का, सीरियल का, लाइव मैच का, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिया है। और ये देख लो अपना चैनल भी ओपन कर लिया हम लोगों ने, यहाँ चल रहा है अपना ब्लॉग। साउंड आ रहा है मम्मी? वाओ, साउंड बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया क्या ही मिल सकता है। अपना यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ मैं, वो भी बस में। ये फीचर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है। इसके लिए भाई 10/10 इस इजी राइड बस के लिए। जरूरी नहीं है आप मेरा ही चैनल देखो, आप कोई भी चैनल देख सकते हो, कोई भी मूवीज देख सकते हो, इनफैक्ट आप यूट्यूब में सॉन्ग सुन सकते हो। मम्मी का तो आदत ही है यूट्यूब में सर्च कर करके मूवी देखने का। थैंक यू सो मच। खाने के बाद ये पैकेज यहाँ पे रख दीजिएगा। थैंक यू दादा, थैंक यू। तो यहाँ देख लो हम लोग मस्त अपना वैसे तो व्लॉग देख ही रहे हैं, और साथ ही हमें अभी देख लो इवनिंग स्नैक्स भी मिल चुका है। भाई मेरे को तो लग रहा था नॉर्मल कुछ एक ऐसे पैकेट पकड़ा देंगे, लेकिन ये देख लो अमीनिया से पैक करवाया है यार। जो लोग कोलकाता से उनको पता होगा अमीनिया अपने बिरयानी के लिए कितना फेमस है। और मुझे एक्चुअली बस में बोर्ड करने से पहले ना एक बार कॉल आया था कि सर आपको वेज चाहिए या नॉन वेज। मैं बोला हम लोग 2 लोग हैं, एक वेज कर दो एक नॉन वेज कर दो। तो मम्मी तुमको क्या खाना है, वेज या नॉन वेज? वेज। तो चलो जी दिखा देते हैं आपको क्या क्या मिला है वेज में और नॉन वेज में। ऐसा भी नहीं कि ये बस का कोई ओवर प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं बाकी सब बसेस से, लेकिन भाई सर्विस और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा।
तो देख लो जी, ये हमें स्नैक्स मिला है। ये अमीनिया का मुझे रोल लग रहा है शायद, दिखा देंगे आपको वैसे। और साथ में एक कोक का बोतल भी है और एक वाटर बोतल भी है। ये वेज है, और मैं बता दूं ये जो अमीनिया है ना, कोलकाता में बहुत ही फेमस है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है देख लो, कोलकाता सिंस 1929 से है ये। यही देख लो, मैं बता रहा था ना, जो बस हॉस्टेस है काफी बढ़िया से सबको वेलकम करती हैं। वैसे अमीनिया का रोल मेरा फेवरेट है और वही रोल यहाँ पे सर्व किया गया है। ये चाहते थे एक नॉर्मल स्नैक्स बॉक्स में लाइक हल्दीराम भुजिया वगैरह भी देकर काम चला सकते थे, लेकिन देखो भाई रोल दिया इन्होंने। ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है। थोड़ा ठंडा हो चुका है लेकिन चलेगा, जबरदस्त। सोच लो अमीनिया का रोल इतना बढ़िया होता है ना कि ठंडा होने के बाद भी अच्छा लग रहा है। इस सर्विस के लिए 10 में 10। मम्मी को बोला मैं खा लो, लेकिन मम्मी तब से ब्लॉग ही देखे जा रही है। अभी देख लो कश्मीर वाला ब्लॉग लगा ली। बाकी ये जो रोल हमें दिया गया है ना, मजा आ गया भाई। और ये चेकआउट करो अपने बस का स्पीड। वैसे इसका जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 100 पे लॉक है, लेकिन वही है 60-70-80 पे ही चलेगी अभी पूरे रास्ते। 100 बीच में अगर खाली रोड रहेगा तो घीस देंगे भैया। फिलहाल मम्मी अभी अपना ब्लॉग एंजॉय कर रही है, जो कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइव किया है। ये सही है यार, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी बस जर्नी करने का मौका मिलेगा जिसमें मस्त अपना ब्लॉग देखूंगा मैं, अमीनिया का रोल खाऊंगा मैं। एकदम डिफरेंट है ये। वैसे आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ये 600 किलोमीटर का जर्नी है हमारा, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 40-50 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी और देख लो 537 किलोमीटर का जर्नी रह गया है। अपना बस अभी रुकेगा ना डिनर के लिए, तब मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर हमारा रूट क्या होने वाला है। वैसे तो सेम ही रूट होगा, वो जो होता है ना मालदा टाउन बरमपुर कृष्णानगर वाला जो रूट है, मेरे को तो लग रहा है वही रूट से होकर जाएगा अपना बस। फिलहाल मम्मी व्लॉग एंजॉय कर रही है, करने देते हैं, लाइट करते हैं ऑफ। अभी टाइम देख लो लगभग 8:20 हो रहा है और हमारी बस अभी यहाँ पे रुकी है, ऐसी रोड पे रुकी है, कोई स्टॉप नहीं है सुसु ब्रेक के लिए। और ये अपने बस का फ्रंट लुक है देख लो, अभी उतना लाइट नहीं है यहाँ पे, जब बढ़िया प्रॉपर कहीं लाइट अच्छा दिखेगा ना तब आपको दिखाएंगे। चलो अभी बस के अंदर चलते हैं। तो अभी जो स्टॉप था ना, मैंने बताया आपको, वो एक तरह का सुसु ब्रेक था। हमारे ड्राइवर भाई साहब को सुसु आया होगा, इसीलिए खुले में ही सब कर रहे थे। और इससे क्या हो गया कि जितने भी बस में जो सुट्टा लवर है तो उनके लिए काफी बढ़िया हो गया, सब उतर के पीना स्टार्ट हो गए। ये कोई प्रॉपर हॉल्ट नहीं था। अभी आने वाला है एक ढाबा जहाँ पे ये बस रुकता है, वहाँ जब रुकेगा ना अपना बस तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी यहाँ से 463 किलोमीटर का जर्नी बाकी है और एक स्टॉप अभी होगा 20 मिनट्स का, और ऊपर से अनाउंसमेंट भी हो रहा है उसका। ये सही है। वैसे अभी हम लोग सर डाल खोला पहुँच चुके हैं। तो देख लो जी, ये रहा अपना बस। अभी हम लोगों ने एक जो ब्रेक लिया है ना वो है NH 27 में, यहाँ पे एक ढाबा में हम लोगों ने ब्रेक लिया है। ढाबा का नाम तो दिख नहीं रहा है हमें। मम्मी तो ऑलमोस्ट पूरे जर्नी सोते हुए ही आई है। अच्छा है लेकिन कम्फर्टेबल है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट का ब्रेक है, वही समझो हाफ एन आवर का ब्रेक है यहाँ पे। मम्मी अभी ना मस्त वहाँ पे चाय पी रही है। मैं बोला मम्मी को कुछ खा लो, मम्मी बोले नहीं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, चाय पियेंगे बढ़िया। तो वैसे बोल सकते हो हम लोग डालखोला में ही है, और बाहर से अपने बस का लुक देख लो, साइड से तो और भी खूबसूरत लगता है। ये खूबसूरत लगने का रीजन भी है ना क्योंकि भाई ये है अपना वॉल्वो का 9600। और अभी देख लो वापस से एक बस आ गया लोकनाथ का, ये भी बस शायद कोलकाता ही जा रहा है। यहाँ पे वैसे आपको नूडल्स फ्राइड राइस चाय वगैरह खाने पीने का भी काफी सारा ऑप्शन है। वैसे तो हमें खाने का कुछ मन नहीं है, लेकिन आपने कभी इस ढाबा में कुछ खाया है तो बताना हमें कैसा होता है खाना यहाँ का। कैसा है अम्मी, मीठा ज्यादा है? दूसरा ले लेते हैं, कम मीठा वाला। लगभग 9:15 के आसपास अपना ब्रेक हुआ था, अभी टाइम देख लो 9:40 हो रहा है। भाई ये तो एकदम टाइम के पक्के हैं, कट टू कट एकदम हॉकिंग वगैरह देना स्टार्ट कर दिए 20 मिनट बाद, ताकि चलो अब टाइम हो गया है सब आ जाओ अंदर। देखो बस निकल भी गया, वाह भाई ऑन टाइम भाई, 20 मिनट बाद ही बस भी निकल चुकी है अपनी। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का बफर दिया होगा इन्होंने। चलो अगर रास्ते में कुछ बढ़िया नजारा दिखता है ना तब आपको दिखाएंगे। वैसे भी अपना फ्रंट सीट है ना तो मेरे को केबिन में जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से ही मैं आपको बढ़िया व्यू दिखा दूंगा। सुबह एक और ब्रेक होगा, अगर फ्रेश होना होगा तो बोलना। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया बरई टोल प्लाजा, यहाँ से और आप बोल सकते हो 413 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है हमारा, जिसमें ऑलमोस्ट 9 घंटे के आसपास लगेगा हमें कवर करने में। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का 3:30 बज रहा है। अभी हमारी बस रुकी है कृष्णानगर में, वो 10 मिनट का वॉशरूम ब्रेक था, खाने का ब्रेक नहीं था, बस 10 मिनट का। हम बोले चलो बढ़िया है भाई, थोड़ा आप लोग को अपडेट दे दे। मैं तो एकदम गहरी नींद में सो गया था। और ये कोई कृष्णानगर में रेस्टोरेंट है देख लो, शंकर मिष्ठान प्रतिष्ठान, वहाँ देखो लिखा भी हुआ है
कृष्णा नगर नदिया। वैसे मन था चाय कॉफी पियेंगे, लेकिन चाय कॉफी देखकर ना मन नहीं कर रहा पीने का। वैसे यहाँ से ज्यादा नहीं और 115 किलोमीटर का जर्नी रह गया है, जिसमें दिखा तो रहा है 3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रोड ना खराब सा रोड है, थोड़ा खराब है, पता नहीं पहले तो बहुत खराब था, अभी ठीक हुआ है कि नहीं आइडिया है मुझे। अभी हमारे ड्राइवर साहब आए नहीं है, जैसे ही ड्राइवर साहब आएंगे तभी निकलना होगा। अभी थोड़ा डार्क है, ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, जब थोड़ा रोड में लाइट्स वगैरह रहेगा ना तब आपको दिखाएंगे बढ़िया नजारे। मैंने देखा है पूरे जर्नी में ये मैक्स टू मैक्स 80 तक गया है, 100 तक टच करते हुए अभी तक मैंने नहीं देखा। हो सकता है जब मैं सो के था तब गया होगा। लो जी 70 भी हो गया। अभी हमारे बस का स्पीड चेक करो, 80 टच करने ही वाला है। मैंने अभी तक मैक्स 80 देखा, 80 के ऊपर अभी तक नहीं देखा। तू साथ तो है ना, मेरे शक ये तेरे हवाले बेपनाह, तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्ता। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं, बस 28 किलोमीटर का जर्नी रह गया है अभी। और अभी टाइम देख लो, सुबह का 6 भी नहीं बजा है, जबकि 7:30 बजे पहुंचने का टाइम था। बिफोर टाइम चल रहे हैं हम लोग। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हें के चाहिए छी आरो बेशी की कोरे बुलबो बालो बाशी के। अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में। चलो जी अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इस प्लैनेट, लगभग 7 बजे और पहले ही पहुंच गए थे। वो थोड़ा सा ना वहाँ पे ट्रैफिक हो गया था भाई, सोच लो सुबह के 7 बजे ट्रैफिक। चलो कोई नहीं, अभी कैब करते घर पहुंचते हैं। यहाँ से हमारा घर अराउंड 7 से 8 किलोमीटर होगा। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हें चाहिए छी आरो बेशी की कोरे बुलबो